हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पवार है और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके घर की छत के ऊपर आपको पानी भर के या आपको उसमें तरी, पहले बात तो यह है कि उसमें पानी भर के रखना है, तो आपके घर के छत के ऊपर पानी कितने दिन भर के रखेंगे जिससे आपकी छत अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों उसको पकना भी बोलते हैं और सेट होना भी बोलते हैं, मतलब कि हमारे गांव की भाषा में अगर चलते हैं तो हम उसको पकना बोलते हैं कि हमारी छत अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों उसको पकने के लिए आपको कितने दिन पानी भरना होता है, उसमें बेसिकली कितने दिन भरना रहता है, और जो आमतौर पर जो लोग भरते हैं वो हम सारी चीजें आप उसमें बताएंगे कि उसमें कितने दिन पानी भरना चाहिए और कितने दिन पानी भरने के बाद में उसमें उसको निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम उसकी तरी की बात करें तो उसमें तरी का जो रीजन रहता है वो कम से कम 10 से 12 दिन का रहता है। दोस्तों उसमें 10 से 12 दिन आप उसमें पानी भर। दोस्तों अगर उसमें हम आपको सारी बातें एंड सारी जानकारी देंगे कि उसमें कितने दिन पानी भरना है और कितने दिन उसमें उसको निकालना है और फिर उसको कितने दिन रेस्ट करना है। दोस्तों इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को ऑल करके रखें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम आपके लिए घर से रिलेटिव जानकारियां लाते रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन को भी दबाना दोस्तों। तो इसलिए हम आप चलते हैं आपके मेन मुद्दे में। दोस्तों अगर मान लो आपने छत भरवा लिया और उसके ऊपर पहले तो यह है कि आप उसमें पानी ही भरना है, क्योंकि पानी भरने से क्या है कि उसके अंदर जो पानी का जो गहराव उसमें बनाव रहा रहेगा तो उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छी तरह से, क्योंकि छत में थोड़ा बहुत ढाल रहता है। अगर आपने तरी कर दी 5-10 मिनट में उस पानी का बहाव बाहर निकल जाएगा और वो फिर सूखने लगेगी। दोस्तों छत की जो तरी होती है वो पानी भरने से ही होती है, उसमें पानी भर के ने आपको रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, उसमें पानी भर के नहीं रखते हो, तो मतलब कि वो अगर आप तरी कर देते हो, आप समझते हो कि अगर मान लो हम 2 बार कर देंगे 3 बार कर देंगे, मगर वो पानी आप तरी करोगे और बह के निकल जाएगा, पानी वो टिकेगा नहीं, और जब तक वो टिकेगा नहीं छत एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसलिए अगर मान लो आप गर्मी में अगर मान लो छत भरवाते हो तो कम से कम आपको 8-10 दिन उसमें पानी तो बहुत कंटिन्यू भरना पड़ता, मतलब भर के रखना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अगर आपने उसमें तरी मार दी और उसको छोड़ दी तो ऐसे में वो आपकी छत की जो मजबूती है वो सही नहीं रहेगी। और अगर आप बारिश की लेते हो, बारिश और अगर मान लो मौसम सर्दियों का रहता है, उसमें अगर आप पानी नहीं भी भरोगे, अगर उसमें तरी भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। मौसम एकदम ठंडा रहता है दोस्तों, ठंडे मौसम में क्या रहता है कि वो इतनी जल्दी सूखती नहीं है, तो वो आपकी तरी भी काम करेगी। मगर आपको अगर मान लो बारिश में आपकी छत भरवाई है तो फिर आपको यूं समझ लिए कि उसमें क्यारी बना के ने आपको तरी करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अभी जो है हमारे सामने छत है, इसमें क्या है कि आसपास ईंटों की एक क्यारी बनी हुई है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो इसी तरह से आपको आप या तो ईंट की क्यारी बना सकते हो या फिर माल की क्यारी बना सकते हो और उसके अंदर पानी भरना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर बारिश की बात करें तो बारिश में आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ठंड में अगर मान लो नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, मगर गर्मी के मौसम में आपको पानी भरना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर पानी भरना है इसमें तो कितने दिन भरना। दोस्तों अगर गर्मी में अगर आप छत भरवाते हो तो समझ लिए आपको आज छत भरे तो कल उसमें क्यारी बन जाना चाहिए किसी भी हालत में। ये तो हो गया गर्मी का मौसम, मतलब आप किसी भी हालत में उसमें एक दिन बाद क्यारी बनना चाहिए, क्योंकि गर्मी का जो मौसम रहता है दोस्तों, गर्मी बहुत जल्दी से सूख लेती है और उसको मतलब कि एक दिन बाद ही पानी की जरूरत पड़ती है। अब उसमें एक दिन बाद ही क्यारी बना दिए, दूसरे दिन उसमें पानी भर दीजिए, अब दूसरे दिन पानी भरने के बाद में कम से कम 10 दिन तक उसमें पानी भर के रखिए, 10 दिन के बाद में आप उसका पानी को निकाल दीजिए। दोस्तों पानी जब निकल जाएगा, क्योंकि अब आजकल क्या है कि जो छत की जो खुलाई रहती है, जो वो जो निकालने वाले रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 16-17 दिन में निकाल लेते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको उसमें 10 दिन पानी भरना है, कंटिन्यू 10 दिन पानी भर के ना उसको फिर निकाल देना है और उसको 4-5 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देना। दोस्तों बहुत सारे क्या करते हैं, क्यारी बनी हुई रहती है और क्यारी अगर एक बार बना दी भर दी, उस पर कोई फिर रीजन ही नहीं है, 15 दिन होगा बस छत खोल लो,
तो ऐसा नहीं है, आपको अगर क्यारी बनाई है और अगर क्यारी भर के रखी है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। छत में क्या है कि नमी रहती है, फिर जब पानी उसके ऊपर भरा हुआ रहता है तो छत में एक नमी टाइप की रहती है, उसको अगर आप निकाल दोगे तो समझ लो फिर वो सूखने की कगार पर रहेगी, मतलब वो फिर धीरे धीरे टाइट होगी। तो आपको अगर सेंटिंग से पहले ही वो छत की जो क्यारी है वो खुल जाना चाहिए, उसका जो पानी बाहर निकल जाना चाहिए और उसको दो चार दिन के लिए सूखने के लिए रखना चाहिए, उसके बाद ही आपकी जो सेंटिंग है नीचे की वो खोल सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लो यही प्रोसेस अगर आप ठंड में करते हो तो ठंड में आप अगर 8 दिन भी पानी भरोगे तो भी चल जाएगा दोस्तों, मगर सूखने का जो उसका प्रोसेस है वही रहेगा। तो आपको और बारिश में तो क्या है दोस्तों, बारिश में कम से कम छत के कम से कम 20 दिन या 25 दिन आप लेके चलो, क्योंकि उसमें सूखने का जो रहता है वो बहुत स्लो मौसम करता है, क्योंकि उसमें बार बार बारिश होती है और पानी आता है, इसके कारण वो सूख नहीं पाती और धूप भी वो वाली नहीं लगती जो सर्दी और गर्मी में जो लगती है धूप, उस तरह की धूप नहीं गिरती है वो। तो इसलिए आपको छत का अगर पानी भरना है तो कम से कम आप गर्मी में 10 दिन भरिए, बाकी दिन में अगर आप कम भी भरोगे तो चल जाएगा। ये गर्मी के लिए ज्यादा खास करके है दोस्तों, कि गर्मी में आपको बहुत ध्यान देना है छत के पानी के ऊपर। बाकी अगर मौसम में आप नहीं भी दोगे थोड़ा बहुत चल भी जाएगा तो चलेगा। अब अगर मान लो गर्मी की बात करते हैं तो आपको एक दिन में क्यारी बना के दूसरे दिन पानी भर देना है। अब सर्दी की अगर हम बात करते तो सर्दी में आप अगर एक दिन छोड़ भी दोगे, छत जब भराती है और उसमें देखना है आपको कि ये प्रॉपर अगर इकट्ठी हुई है कि नहीं, अगर वो आपने शाम का टाइम भर हुई है तो वो थोड़ा नमी टाइप की रहेगा, तो उसमें आप एक दिन छोड़ सकते हो, आप एक दिन छोड़ के ना दूसरे दिन उसमें क्यारी बना सकते हो। और बारिश में तो क्या है कि दोस्तों बारिश का तो मौसम ही ऐसा रहता है कि मतलब आप क्यारी बनाओगे अगर तरी भी कर दोगे तो चल जाएगा, बट क्यारी अगर बन जाए तो समझ लो बहुत ही अच्छी चीज रहती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो दोस्तों, ये छत पे पानी की क्यारी जो बनाई है बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाई है और इसमें पानी भी अच्छे से भरा हुआ है। दोस्तों आपको भी आपके घर की अगर छत भरवा रहे हो, भरवाने के बाद में या तो इस तरह की क्यारी बनाएं या फिर माल की क्यारी बनाएं, मतलब कुल मिला के रीज़न यही है कि आपको बेस्ट क्यारी बना के उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है उस हिसाब से आपको क्यारी बनाना है दोस्तों। दोस्तों क्यारी बनाने के बाद में क्या होता है कि पानी उसमें छत के अंदर एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।